तो गाइस आज का जो रैम चैलेंज है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि गाइस यहाँ पे है पबजी मोबाइल वर्सेस फ्री फायर, एंड यहाँ पे जो भी टीम जीतेगी उसको मिलेगी भाई 2 लाख डायमंड्स। तो गाइस क्या लगता है कौन जीतेगा? गाइस तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक और ब्रांड न्यू अमेजिंग रैम चैलेंज की वीडियो में। तो गाइस आज है फ्री फायर वर्सेस पबजी का रैम चैलेंज। तो गाइस यहाँ पे फ्री फायर की वही टीम है हमारे पास, एंड यहाँ पे है हमारे पास भाई पबजी मोबाइल की टीम। तो गाइस पबजी मोबाइल की टीम में है ग्रैनी और ग्रैंडपा। तो गाइस यहाँ पे हमारे फ्री फायर की टीम से निकल चुके हैं डीनो भैया। तो गाइस क्या लगता है डीनो भैया जिता पाएंगे फ्री फायर की टीम को? मेरे को लगता है जिता देंगे। इन्होंने पहला वाला भी तो बड़े आसानी से पार कर लिया, और यहाँ पे दूसरे वाले रैंप पे भी लैंड कर चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। तो गाइस अभी इनको और 2 व्हील पार करने हैं। दूसरा वाला व्हील पार करे ना करे उनसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, उनको तीसरा वाला व्हील तो पार करना ही पड़ेगा अगर इनको फ्री फायर के लिए एक पॉइंट लेना है तो, और अपनी टीम को जिताना है तो। इन्होंने तीसरा वाला व्हील भी पार कर लिया गाइस, तो अभी इनको फटाफट से पैराशूट खोल के जाना होगा तीसरे वाले व्हील के अंदर। तो गाइस क्या लगता है आप सभी लोगों को डीनो भैया तीसरे वाले व्हील के अंदर जा पाएंगे या नहीं? ये क्या हो रहा है, हवा का भाई दबाव उनको नीचे खींच रहा है। अरे बाप रे, नीचे गिर गए ये गाइस। यहाँ पे हमारे पबजी के कैरेक्टर क्या बोल रहे हैं फ्री फायर को कि फ्री फायर बहुत बेकार गेम है। तो गाइस क्या लगता है आप सभी लोगों को, फ्री फायर अच्छी गेम है या बेकार गेम है? एंड बाय द वे पबजी बैन हो चुकी है इंडिया में, एंड अब उसका नाम है BGMI। तो गाइस यहाँ पे अभी भाई यहाँ पे हमारे भाई पबजी के कैरेक्टर यहाँ पे निकल चुके हैं, एंड यहाँ पे ये क्या गाइस इतनी बेकार गाड़ी लेके निकले हैं ना। अब भाई लगता है इनको भाई पैराशूट खोलना पड़ेगा इनको खुद के, एंड ये खुद तो चुके हैं यहाँ पे, एंड ये क्या भाई घूमर हो रहा है, एंड ये भाई साहब अभी जमीन से टकरा जाएंगे। मैं डॉमी जा पी के आया हूँ, देखना मैं अपनी फ्री फायर की टीम को जिता कर रहूंगा। देखता मैं भी कौन हराता है मेरे को। देखो मेरी गाड़ी। हाँ यार जय भाई आपकी गाड़ी तो बहुत ही बढ़िया है, अब देखते हैं आपको कौन हराता है। ओके तो गाइस यहाँ पे जय भाई हमारी गाड़ी लेके, मतलब हमारी नहीं उनकी गाड़ी लेके निकल चुका है, एंड ये बहुत ही बढ़िया और भारी गाड़ी लग रही है मेरे को, इसके कारण इनको कोई दिक्कत हो सकती है भाई मेरे हिसाब से। एंड ये यहाँ पे बहुत ही तगड़ी जम, बट ये क्या गाइस इनकी इनकी गाड़ी नीचे टकरा गई, यानी नीचे गिर रहे हैं अभी। ओए ये 2.5 किलो का हाथ है, जब किसी पे उठता है ना तो उठता नहीं उठ जाता है। ओके भाई हम समझ गए, आपका हाथ जब उठता है तो वो सामने वाला उठता नहीं उठ जाता है भाई, हम पे हाथ पर उठा देना, हमको उठने का शौक नहीं है भाई। ओके तो गाइस यहाँ पे हमारे भाई पबजी के एक और कैरेक्टर यहाँ पे निकल चुके हैं, एंड इनकी भाई गाड़ी बहुत ही बढ़िया है, सेडान ली है इन्होंने, बहुत ही बढ़िया और हल्की और मस्त गाड़ी है। ओके तो गाइस इन्होंने सबसे पहला वाला व्हील पार कर दिया है, एंड यहाँ पे सबसे जो पहला रैंप आता है, ओके तो यहाँ पे सबसे पहले रैंप पे भी इन्होंने लैंड कर दिया, इनकी गाड़ी पलट गई, बट कोई बात नहीं भाई गाड़ी सीधा करना इनको आता है क्योंकि इनका हाथ उठता नहीं उठ जाता है। तो ओके तो गाइस यहाँ पे अभी ये अपनी गाड़ी लेके निकल चुके हैं, एंड यहाँ पे ये सेकंड रैंप से भी गाइस अभी ये चलांग लगाएंगे, एंड जो अभी व्हील आने वाला है गाइस वो व्हील पार करने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही व्हील भाई बचेगा जो इनको पार करना होगा। एंड यहाँ पे ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दूसरा वाला व्हील पार कर दिया, एंड यहाँ पे ये भाई बाहर निकल चुके हैं। और ओके भाई जल्दी जल्दी पैराशूट खोलो, पैराशूट तो खोलो यार, पैराशूट ही नहीं खोला। मियाँ आजम एक पबजी वाले नंबर से कुछ नहीं होने वाला, इनको पैराशूट खोलने नहीं आता, ये क्या गेम खेलेंगे? हाँ नहीं तो एक नंबर के नूब है लोग, अब तुम देखो मैं फ्री फायर को कैसे जिताता हूँ। ओके तो गाइस अब देखते हैं भाई आदम भाई कैसे भाई अपने टीम फ्री फायर को जिताते हैं। तो गाइस क्या आप सभी लोग भी इस आदम चिमकांडी को, अरे ये क्या हो गया गाइस, अरे बाप रे आदम चिमकांडी को बहुत ही तेज सर पे पड़ी होगी, बट कोई बात नहीं यहाँ पे आदम चिमकांडी ने भाई यहाँ पे पैराशूट खोल लिया है। एंड गाइस क्या लगता है आप सभी लोगों को, जो लास्ट वाला व्हील है वो ये आदम चिमकांडी भाई पार कर पाएगा या नहीं? गाइस मेरे को तो नहीं लगता पार कर पाएगा क्योंकि ये चिमकांडी है एक नंबर का, बट ये क्या गाइस मेरे को लग रहा है ये पार कर लेगा। अरे ये क्या हो गया गाइस एकदम व्हील के एच पे। तो गाइस इसका मतलब है कि भाई फ्री फायर के 0 पॉइंट और पबजी के भी 0 पॉइंट। मैं तेरे को खाने आई हूँ, आजा तेरे को अपने कर ले चलती हूँ और मैं तेरे को खा जाऊंगी।
मेरे को आपसे डर नहीं लगता ग्रैनी, क्योंकि मेरे को आपका घर एस्केप करना आता है, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर्स वीडियोस डाल देते हैं हाउ टू एस्केप योर हाउस, तो मेरे को बिल्कुल डर नहीं लगता। जाओ जाओ रैप चैलेंज खेलो और अपनी टीम पबजी को जिताओ। गाइस ये क्या हो गया भाई, सिंचन ने तो ग्रैनी की भाई गजब बेइज्जती कर दी। बट वैसे भाई वैसे जो भी बोला सिंचन ने सच बोला भाई, बड़े बड़े यूट्यूबर्स डाल देते हैं हाउ टू एस्केप ग्रैनीज हाउस, तो अब सबको मालूम है कि भाई ग्रैनी के घर से कैसे निकलते ग्रैनी और ग्रैंडपा को बेवकूफ बना के। ओके तो गाइस यहां पे भाई साहब ग्रैनी ने बहुत ही बढ़िया गाड़ी ली है एंड ये सेकंड रैम तक भी पहुंच चुकी है, बहुत ही बढ़िया खेल रही है ग्रैनी। मेरे को लगता है कि गाइस आज ये पबजी को जिता के ही मानेगी। एंड ये क्या गाइस यहाँ पे सेकंड रैम पे, अरे अरे बाप रे इनकी गाड़ी भाई पलट रही है। गाइस क्या लगता है आप सभी लोगों को, अरे बाप रे इतनी गंदी पलटी इनकी गाड़ी। ओके तो गाइस अभी यहाँ पे ये गाड़ी से कूद चुकी है एंड इन्होंने अपना काला कलर का भाई पैराशूट भी खोल लिया है। ओके दादी भी काली और दादी का पैराशूट भी काला। एंड ये क्या गाइस ये क्या भाई साहब, दादी ने बड़ी इजीली भाई तीसरा व्हील भी पार कर लिया। तो गाइस अभी यहाँ पे फ्री फायर की टीम से आ चुके हैं क्रोनो, तो गाइस क्या लगता है आप सभी लोगों को क्रोनो भी एक पॉइंट दिला पाएंगे अपनी टीम को। गाइस पबजी मोबाइल ने एक पॉइंट ले लिया है, ग्रैनी ने भाई पबजी मोबाइल को एक पॉइंट दिला दिया है, तो गाइस क्या लगता है आप सभी लोगों को यहाँ पे क्रोनो एक पॉइंट दिलवा पाएंगे या नहीं। बट जिस हिसाब से खेल रहे आई डोंट थिंक सो दिलवा पाएंगे भाई, इतनी बेकार ड्राइविंग कर रहे क्रोनो। बट यहाँ पे भाई साहब ये गाड़ी से निकल चुके हैं एंड इन्होंने अपना पैराशूट भी खोल लिया है, तो गाइस क्या लगता है आप सभी लोगों को, गाइस कमेंट बताओ कि फ्री फायर जीतेगी या पबजी मोबाइल जीतेगी। ओके तो गाइस यहाँ पे हमारे क्रोनो ब्लैक एंड येलो कॉम्बिनेशन वाला पैराशूट यूज करके जा रहे हैं नीचे की ओर एंड यहाँ पे भाई तीसरा व्हील मेरे को लगता है कि ये पार कर ही देंगे भाई, क्योंकि ये एक फ्री फायर के प्रो प्लेयर है। एंड गाइस क्या लगता है ये पार कर देंगे एंड इन्होंने पार कर दिया। एंड गाइस यहाँ पे फ्री फायर को भी एक पॉइंट दिलाते हुए एंड यहाँ पे पबजी और फ्री फायर के दोनों के एक पॉइंट है, मतलब दोनों इक्वल पॉइंट्स पे है। ग्रैंडपा में तो मजाक कर रहा था, आई एम रियली सॉरी, मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जबान फिसल गई। गाइस देखा आपने भाई कैसे सिंचन की फट गई। ओके तो गाइस यहाँ पे हमारे भाई ग्रैंडपा अंकल निकल चुके हैं, तो गाइस क्या लगता है आप सब लोगों को ग्रैंडपा अंकल यहाँ पे जो अपनी लाल छड़ा लेके जा रहे हैं, तो गाइस क्या लगता है ये फ्री फायर को मेरा मतलब पबजी मोबाइल को एक पॉइंट दिलवा पाएंगे या नहीं एंड फ्री फायर को हरा पाएंगे या नहीं। अरे बाप रे इनकी गाड़ी टकरा गई है, बट कोई बात नहीं, ग्रैंडपा को भाई गाड़ी बहुत अच्छे से चलाने आती है, लगता है ग्रैंडपा बहुत प्रो ड्राइवर है, लगता है ये डॉक्टर ड्राइविंग में भाई गाड़ी चलाना सीखते थे। ओके तो गाइस यहाँ पे ओके बहुत ही बढ़िया भाई ड्राइविंग कर रहे हैं एंड सेकेंड व्हील पार करने के बाद गाइस क्या लगता है आप सभी लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से पैराशूटिंग करके वो थर्ड वाला व्हील पार कर सकते हैं या नहीं। ओके तो गाइस यहाँ पे ग्रैंडपा ने जंप लगा दी पैराशूट। ओके भाई रेनबो वाला पैराशूट है इनके पास, बहुत ही बढ़िया पैराशूट है यार भाई, ग्रैंडपा के चॉइस काफी रंग बिरंगी है। एंड ये क्या गाइस यहाँ पे ये व्हील से टकरा गए। ओके तो गाइस यहाँ पे हमारे डीजे आलोक आ चुके हैं। गाइस इन्होंने बहुत ही बढ़िया गाड़ी ली है, गाइस मेरे को तो भाई बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये इतनी बढ़िया गाड़ी लेके आएंगे, मतलब बग्गी है ये, गाड़ी तो नहीं है। एंड देखते गाइस क्या इस बग्गी से ये कमाल दिखा पाते हैं या नहीं। एंड यहाँ पे कमाल दिखाते हुए सबसे पहला वाला व्हील पार कर दिया एंड अभी ये रैंप पे लैंड करते हुए। ओके तो गाइस यहाँ पे हमारे डीजे आलोक निकल चुके हैं एंड ये बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा अभी तक। एंड भाई साहब क्या पता नहीं क्या कर रहे हैं, एकदम एचपी क्यों चला रहे हैं भाई, लगता है स्टंट मार रहे हैं। ओके कोई बात नहीं एंड ये यहाँ पे दूसरा वाला व्हील भी पार करते हुए एंड अभी भाई इनको गाड़ी से निकल के पैराशूट खोलना भी होगा एंड इन्होंने पैराशूट खोल भी लिया एंड काफी बढ़िया पैराशूट लिया है इन्होंने। अब क्या लगता है गाइस क्या आप सभी लोगों को ये लगता है कि ये वाला पार कर लेंगे, एंड इन्होंने कर लिया भाई साहब, इसका मतलब फ्री फायर के दो पॉइंट्स है। तो गाइस अभी ना इस पबजी के आखिरी कैरेक्टर के ऊपर ना बहुत ही ज्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि अगर इसने बेकार परफॉर्म करा तो गाइस फ्री फायर जीत जाएगी एंड पबजी हार जाएगी। अगर इसने अच्छा परफॉर्म करा तो दोनों टीम्स इक्वल पॉइंट्स पे होगी, दो पॉइंट और दो पॉइंट। तो गाइस क्या लगता है आप सभी लोगों को पबजी का आखिरी कैरेक्टर भाई कुछ कर पाएगा अपने टीम के लिए एंड अपनी टीम को जिताएगा या फ्री फायर जीत जाएगी। ओके तो गाइस यहाँ पे इनकी गाड़ी भाई टकरा चुकी है एंड भाई क्या लगता है आप सभी लोगों को, क्या ये पहला वाला व्हील तो इन्होंने पार कर लिया, दूसरा वाला व्हील क्या ये पार कर पाएंगे एंड दूसरे के साथ ही साथ तीसरा वाला व्हील क्या ये पार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इनकी गाड़ी तो मेरे को बहुत ही बढ़िया लग रही है, बट देखने वाली बात यह है कि क्या वो तीसरा वाला व्हील पैराशूट खोल के अच्छे से पार कर पाते हैं या नहीं। ओके तो गाइस यहाँ पे बहुत ही बढ़िया इन्होंने पैराशूट खोला है एंड
अब देखने वाली बात है कि पैराशूट से ये तीसरा लेवल पार नहीं कर पाते हैं। एंड इस तरीके से गाइस यहाँ पे हो चुकी है फ्री फायर की जीत। तो गाइस फ्री फायर वाले मेरे भाइयों गाइस बहुत ही शाबाशी तुम लोगों को एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम जीत चुके हो आज का इस मैच को। एंड यहाँ पे ये लोग जीत चुके हैं 2 लाख डायमंड। तो गाइस आई होप सब लोगों को आज की इस वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करो। मैं तो आप सब लोगों से ऐसे करूँ वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।